10 साल हो गए हैं, लेकिन यहां बैठा हर एक व्यक्ति भी आजाद नहीं है। क्योंकि साथियों आज हम गुलाम हैं, हम गुलाम है आउटसोर्सिंग के, हम गुलाम है ठेका प्रथा की जैसी कुप्रथाओं के। साथियों अगर इन कुप्रथाओं से आजाद होना है तो 1857 में क्रांति आई थी और दूसरी क्रांति आज इस मरवाड़ की क्रांतिकारी जमीन से हमें उत्तोलन करनी पड़ेगी। आउटसोर्सिंग एवं संविदा कर्मचारियों की स्थायी नियुक्ति अथवा एक समान वेतन की मांग को लेकर भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज द्वारा अंबेडकर पार्क में समस्त सफाई कर्मचारियों को लेकर विशाल धरना किया गया। साथ ही जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया। भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज ने विशाल धरने के माध्यम से समस्त सफाई कर्मचारी एवं आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को एकजुट होने का आह्वान किया गया। साथ ही यह भी कहा गया कि यह धरना प्रदेश में चिंगारी के रूप में काम करेगा। धरने में आए विभिन्न वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। साथ ही कहा कि समस्त सफाई कर्मचारियों को अपनी मांगों को लेकर एक आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी। जैसे कि अब चुनाव आने वाले हैं तो सफाई कर्मचारी अपना वोट उसी के साथ लेकर जाएंगे जो उनके हित की बात करेगा। ज्ञापन के माध्यम से प्रदेश सरकार से यह मांग की गई कि जो वर्षों से चले आ रहे समस्त आउटसोर्सिंग एवं संविदा सफाई कर्मचारियों को नियमित किया जाए जिससे कि इनके बच्चे भरपेट भोजन एवं उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें, और आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारियों को सिर्फ 7500 रुपये, संविदा कर्मचारियों को 18000 का वेतन मिल रहा है, जिसमें कमर तोड़ इस महंगाई में ना तो आउटसोर्सिंग कर्मचारी भरपेट खाना खा पा रहे हैं और ना ही अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिला पा रहे हैं। इनकी आने वाली पीढ़ी अनपढ़ता के कारण जानवरों की तरह जीने को मजबूर होगी। हाल ही में उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब आदि प्रदेशों में आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारियों को नियमित किया गया है। उत्तर प्रदेश के सफाई कर्मचारियों को भी नियमित किया जाए जिससे यह योद्धा भी अपने बच्चों को भरपेट भोजन दे सके और उच्च शिक्षा प्रदान कर सके। अगर सरकार हमारी इस मांग की ओर ध्यान नहीं देती तो पूरे प्रदेश का वाल्मीकि समाज आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा, जिसकी जिम्मेदारी पूर्णतः सरकार की होगी। धरने में मुख्य रूप से भावादस के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्ला बाबू द्रविड़, रवि द्रविड़, बलबीर भारती, राजू आदिवासी, आदेश कुमार एडवोकेट, विशाल द्रविड़, रॉबर्ट चौधरी, विशाल सरन, नवदीप कुमार, राम किशोर, रोहित भारती, राहुल सेवक, रोहित वाल्मीकि, कुकु चौधरी आदि लोग मौजूद रहे। लोग भूखे मर रहे, सफाई कर्मचारी वो यहाँ धरने पर बैठे हैं, योगी जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें कन्फर्म कर दो, आउटसोर्सिंग कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, हम कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएं, हम कैसे अपने परिवार का पालन करें, हम कैसे अपने बच्चों को अच्छे कपड़े पहना दें। 7500 में 7000 में कहाँ तक देखो अपने रोजी रोटी चलाएं और बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। आने वाली पीढ़ी हमें तो ऐसा लगता है कि शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि हमारे आने वाली जो पीढ़ी है ये 750 रुपये कमा के क्या तब शिक्षित बच्चे पैदा ना हो के अब जानवर बना रही है सरकार हमारे आने वाली पीढ़ियों को। तो हम इसके विरोध में योगी जी को ज्ञापन यहाँ से देंगे, जिलाधिकारी सभी वाल्मीकि समाज के विरोध में अनुरोध है कृपया जाए ना। तो इसीलिए आज यहाँ धरने पर बैठे हैं, ये चिंगारी यहाँ से लगाकर पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह सरकार से मांग करेगी कि इन ओर शोर से वो समझा कर्मचारियों को कंट्रोल किया।